संकल्प भी मनुष्य व्यवहार का होगा, मन को जरिया देखा जाए देख पाएंगे कैसे दिखेंगे मन को, बस वृद्धि उठना संकल्प को नहीं मन के रूप है ना। मन के अगर हम देखना चाहते हैं तो देखो मन में कैसे वृद्धि उठती है, और मन शुद्ध है तो शुद्ध है कैसे पता लगेगा आपको, अपने वृद्धि को देखो, वृद्धि विषयात्मक वृद्धि है अथवा स्वरूप परेश्वरात्मक वृद्धि है, बस इतना से ही जो है मन की शुद्धता धीरे धीरे पता लगता है। संकल्प ही मनुष्य व्यवहारिक का मूल है ना, ये संकल्प ही मन का व्यवहारिक रूप है। नंबर तीन में बोलते हैं व्यवहारिक मतलब व्यवहार सिद्धम, व्यवहार सिद्ध क्या संकल्प विकल्प का नहीं मानता रूप है, हो सकता है कि हो सकता है क्या हो सकता है, लेकिन मन का स्वाभाविक रूप है। संकल्प संकल्पीय अपेक्षा तद भविना भवती, मन की इस प्रकार जो संकल्प करने का स्वभाव है ना, संकल्प करने योग्य वस्तु कोई बाहर नहीं है, उसके लिए संकल्प करें। संकल्प और इस प्रकार की मनोवृत्तियाँ है ना, संकल्पीय अपेक्षता मतलब ग्रहण करने योग्य योग्य वस्तु, अगर हम संकल्प करने योग्य वस्तु दोनों इसके लिए कड़ी फर्क देना, एक में संकल्प एक संकल्पीय, संकल्प से संबंध रखने वाला वस्तु अगर इसका है संकल्प होता है, संकल्प अपेक्षा उसकी अपेक्षा रखने के कारण तद अभावे मतलब संकल्प करने योग्य वस्तु की अभाव होने के कारण हमारे संकल्प होता ही नहीं है, मन अमन हो ही जाता से होता है। संकल्प संकल्प की अपेक्षा मतलब मनोवृत्ति उठने के लिए कोई वृत्ति के लिए कोई विषय चाहिए, अब जब विषय को यही नहीं जाएगा मन निश्चय कर लेगा रे सारे संशयी वस्तु हमारे लिए कोई काम की नहीं है, इसके चिंतन करने से क्या लाभ है। इस प्रकार से अपेक्षा तब अभाव मतलब संकल्प करने योग्य वस्तु के अभाव हो जाने पर न भगवती भी मन जो है संकल्प नहीं करता, ई मन की अमानता है। सर्वम आत्मा एक अति अवगम जब क्या होगा कि जब उस संकल्प संशय में पुरुष एव एकदम निश्चम ब्रह्मी एकदम सर्वम, इस प्रकार से सर्वम पर एकदम ब्रह्म सुखी वाक्यों के आधार पर हम क्या निश्चय आत्मा ही वेदर्म सर्वम के हमारा शरद कुमार नारद जी को बोले छांदे पुरुष आत्म ही वेदम सर्वम, सर्वम आत्मा एव एक अवगम जब सारा संशय में जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे भिन्न करके कुछ भी नहीं है, इस प्रकार बोध हो जाने का अवगम सत्य है। सर्वम आत्मा एव एक अवगम जब संकल्प के अभाव संकल्प करने योग्य कोई वस्तु कई वस्तु है नहीं, सब आत्मा ही आत्मा भिन्न कोई वस्तु है नहीं, इसलिए वस्तु आप संकल्प करने योग्य वस्तु का अभाव हो जाने के कारण अभाव मनुष्य और मनुष्य मनुष्य तब न बरतते है ना, ये मन की जो है मनुष्य मन का संकल्प विकल्प का ये फिर नहीं रह जाता, मनुष्य मन में रहने की घट में घट आता, इस प्रकार मनुष्य मन में मनस्थ प्रातिपदिक मनुष्य मन में रहने वाले धर्म का स्वभावित हुआ था उसके भाव मन की जो भाव है उसको देखा नहीं गया, मनुष्य मनस्थ न बरतते फिर मन की जो है जो मन मन रूपी धर्म वो नहीं रह जाता, मन की जो मन रूपी धर्म है घट में खटत भी धर्म नहीं है, पशु में पशुत्व नहीं है, हमको कहो वस्तु के वास्तव वस्तु व्यवहार शुद्ध नहीं होता उससे। सर्व आत्मा व्यक्ति अवगमित संकल्प अभाव समस्त वस्तु आत्मा ही है, यही हमको ये बोला आत्मसत्व अनुभव देना, बार बार विचार करके सुखी वाक्यों के आधार पर जब हम निश्चय करेंगे कि आत्मा भिन्न कुछ भिन्न संशय में कुछ भी वस्तु नहीं है, हम उस वस्तु के संकल्प का इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है और हमारे लिए अनुकूल हो, बस इस पुस्तक का इच्छा करते हैं। आप जो दोनों देखिए शास्त्र बोलते हैं तुमसे भिन्न करके कुछ है ही नहीं संसार वस्तु, अब इसके बाद क्या है कि आत्मा के लिए ना कुछ अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही नहीं होता है, तो शरीर मन बुद्धि के व्यापार अनुकूल होते प्रतिकूल होता है, जब ये दोनों निश्चय हो जाता है फिर मन जो है किसी विशेष संबंध में संकल्प यही अभिप्राय असर्वम आत्मा ही वही के अवगम के इस प्रकार बोध हो जाने पर संकल्पीय अभाव संकल्प करने योग्य वस्तु के अभाव होने के कारण मनुष्य मनस्तम न करता फिर मन में मनुष्य का धर्म अथवा कुशल कूट मचाने का धर्म को नहीं रह जाता है ना, न बढ़ते चार नंबर टिप्पणी, चार नंबर टिप्पणी होते हैं व्यवहारिक तीन नंबर टिप्पणी पारिवार्थिक पारिवार्थिक तो आत्मा ही तीन नंबर टिप्पणी में थोड़ा एक ही भाग पड़ा था व्यवहार सिद्धम एक मतलब पारमार्थिक आत्मा एक व्यक्ति भावना है ना, व्यवहार सिद्धि जो मन को पता है ना पारमार्थिक को भी आत्मा को ऊपर दिखाई पड़ रहा है,
अधिष्ठान के ऊपर जो दिखाई पड़ता है तो भ्रांत तो वस्तु पर भी वस्तु अधिष्ठान भिन्न होता तो सत्य ही है, इसलिए परमात्मा का तो आत्मा परमात्मा से वो आत्मा ही है। ये न वर्तते उसको इतने निवर्तते अर्थ देखा ना, निवर्त न वर्तते अगर न के साथ विपन्न होता तो निवर्तते अपना तो वो निकल जाते हैं। तथापि ठीक है, बाहरी विषय संबंधित कोई वस्तु निश्चय नहीं होती, फिर भी यदि मन दिखाई दे मतलब मन नामक कोई वस्तु को अलग रहे, तथापि स्फुरति चेत आत्मा एव इति न विवेकी दृष्टा मन नाम अस्ति श्लोक अक्षरे उत्तरम। देखिए फिर भी यदि मन आपको दिखता है तो क्या दिखेगा, क्योंकि आपने आत्मसत्व अनुभव है ना, आत्मविचार करते करते जगत संबंधी मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया, मतलब बाहरी वस्तु संबंधी चिंतन छोड़ करके आत्मचिंतन। आप यदि मन दिखता है तो क्या दिखेगा, क्योंकि आपने अनन्य वस्तु की वृत्ति को आपने कैसे रोका, ब्रह्म का अथवा आत्मा का वृत्ति। अब जो फिर यदि आपको मन तब क्या हो जाएगा, तो आत्मरूप ही आत्मा से भिन्न नहीं। इसमें एक समस्या बीच में और आता है, डर लगेगा, डर मतलब जब आप अपने को आज तक हमें अपने को देखने का अभ्यास है शरीर इंद्रो मन बुद्धि के साथ विषय के साथ हमेशा आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप सबको निषेध करते हैं। अब एक स्थिति आएगा, हाँ ये क्यों होगा, कुछ नहीं है अपने साथ, डर लगने लगता है। जब शरीर ठीक ठीक आप निश्चित कर पाएंगे और निश्चय हो जाएगा मन से, तो डर जैसे फिर ईश्वर के पास ही, क्योंकि वो शास्त्र मत का सुन, अरे यही तो कोई वस्तु नहीं है, मैं अपने को दोनों भाव में आ रहा है तो डर किसको हो रहा है, वो क्यों डर रहा है, शास्त्रों को दिव्यत कोई भयम भगवती, ये कोई दैत्य नहीं है, क्योंकि आपको दैत्य के साथ देखने का इतना अभ्यास हो जाता है, ध्यान करते करते कभी ऐसा स्थिति हो कि आप सारा चीज से अपने को अलग कर पाए, एक मन भी उस समय भयात्मक वृत्ति मानना भयात्मक वृत्ति से भी थोड़ा सा पीछे हट जाए ना, तो समझ नहीं थोड़ा सा नहीं, तो फिर मन क्या करेगा कि शरीर के साथ आत्म कर देगा। उस समय यदि हम धीरे धीरे मन को फिर अपने स्वरूप को ले सकते हैं तो फिर क्या होता है कि आत्मरूप तथा भी स्फुरति से आत्मा, फिर उस समय भी यदि आपको स्फुरण होता है तो आप समझना आत्मा ही है वो भी न विवेक दृष्टि, उस समय विवेकी की दृष्टि के द्वारा मन नाम कोई अलग वस्तु नहीं है, नहीं रहता विवेक दृष्टि न मन नाम अस्ति मन नाम कोई अलग वस्तु है। इस प्रकार से श्लोक अक्षरेण उत्तरम अहम, कैसे मन अमन हो सकता है, अब कहे श्लोक की अक्षर के द्वारा, आनंद गिरि जी ने अपना शब्द कह दिया, अब श्लोक की अक्षर के द्वारा उसको उत्तर को कहा जा रहा है, श्लोक अक्षरेण उत्तरम अहम, इसको उत्तर को कहते हैं उच्चते विधि। तो क्या बोल रहे हैं कि आत्मसत्व अनुबोधे है, इसको बोलते हैं तस्य सत्यत्व दृष्टान्त, आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्मसत्व अनुबोधे न संकल्प अभी जरा। अब क्या बोलते हैं उच्चते आत्मा ही सत्य आत्मसत्व वृद्धि का वाली भाषा का विभक्ति है, जैसे आत्मा ही सत्य मतलब तस्य सत्य थे, तस्य से क्या लेंगे आत्मन, आत्मन सत्यते आत्मन सत्यते दृष्टान्त, आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, इस विषय में दृष्टान्त दे रहे हैं भगवान भाष्यकार श्रुति वाक्यों के आधार पर, वृत्ति का इतव सत्य बाचारम मनम विकारो नाम दिया, इसलिए मतलब तो मूल कारण ही एकमात्र सत्य है वृत्ति का, यथा दृष्टान्त दे रहे हैं फिर इस भक्ति का, यथा घट सारावादिषु असत्येषु मृत्तिका मात्रम अनुसूतम सत्यम इष्यते, ठीक है ना, ये दृष्टान्त तो आपको समझा रहे हैं, जैसे घट सरा भोजन जो भी कुछ मृत्तिका से बने हुए उपकरण हैं उन सभी मृत्तिका के उपकरणों में वो सब असत्य होते हुए भी असत सुसत्य में है, मतलब लोकली एब्सोल्यूट है ना, मतलब ऐसा होने पर
घटघटसरवादिषु असत्येषु, जब आपका निश्चय हो जाएगा कि शास्त्र बोलते हैं इसमें विकार मात्र है, घट मृत्ति का सारा विकार असत्य है, ये निश्चय हो जाने पर तब वहाँ पर सत्य क्या है, विकार क्या है, और जो नाम रूप आत्मा, इसलिए हमेशा ध्यान देना हम जगत को मिथ्या बोलते हैं, किसको मिथ्या बोलते हैं, नाम रूप में मिथ्यात्व बोलते हैं, जगत की सत्ता में मिथ्यात्व नहीं बोलते हैं। विश्व विकारेश जगत सत्तम न गति जगति, तीनों काल में जगत अपनी सत्ता को व्यभिचार नहीं करते, किसको व्यभिचार करते हैं, नाम रूप की व्यभिचार करते हैं, इसलिए नाम रूप में मिथ्यात्व मानते हैं। इसलिए बोलते हैं यथा घट सरावादिषु असत्येषु वृत्ति का मात्र अनुसूतम, एकमात्र वृत्ति का जो उसका अनुसूत है, मतलब पूरा इनहेरेंट है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वही सत्य है, दृश्यते ये अभिष्ट है, इस जैसा यह दृष्टान्त है तथा ठीक उसी प्रकार से दृष्टान्त में लाता है, अनात्मासु असत्येषु आत्ममात्रं सत्यं ईश्वरं, यानी अनात्मा जो नाम रूप अर्थ क्रिया करते हैं, जहाँ पे दिखाई पड़ते हैं वो अनात्मा भाव, और जहाँ पे सच का आनंद दिखाई पड़ते हैं वो आत्मा भाव, वो सच का आनंद में कभी चल नहीं है, नाम रूप अर्थ क्रिया करते हैं कभी चल, इसलिए ये तथैव आत्मा अनात्मासु असत्येषु, जब अनात्मा जो आत्मा रूप जो वस्तु प्रकृति हो रहा है सत्य है असत्य, इस प्रकार श्रुति वाक्यों के बार बार विचार आत्मा सत्य अनुबोधेन, मतलब गुरुमुख से शास्त्र वाक्य सुनकर के अपने विचार के द्वारा जब आप निश्चय करते हैं कि ये संसार में यहाँ तक कि हमारी शरीर इंद्रियमान बुद्धि भी सत्य वस्तु नहीं है, बाहरी वस्तु को पहले से ही जाएगा, यहाँ तक जहाँ पे सत्य तत्व जहाँ पे मुख्य मतलब फसा हुआ है वहाँ से भी निश्चय हो जाएगा, यदि कोई सत्य वस्तु नहीं है, बस ये सत्य वस्तु नहीं है इसको समझाने के लिए ही असत्य को दिया हुआ है भगवान, इसीलिए बात है इसको समझ लो, तथे जो अनात्मा सत्य से आत्ममात्र सत्य बस शुद्ध अधिष्ठान मात्र सत्य है, ये हमारे यहाँ पे अभिष्ट है। नंदी छः नंबर आत्मा इति अस्य व्याख्यान ऊपर बोल करके सर्व आत्मा इति अवगम्यते, सेकेंड लाइन में तो भाष्य भी बोला आत्मा एव सत्यम, पहला लाइन में उस आत्मा एव का व्याख्या क्या हो गया कि आत्ममात्र सत्यम इष्टव्य है ना, ये प्रकार अन्य सभी का व्यवर्तन करके केवल मंत्र अत्यंत अजोग व्यवचित किसी का साथ योग नहीं है, इसलिए आत्मा मात्र सत्यम इष्टव्य शुद्ध शुद्ध आत्मा ही, यह पे बोलते आत्ममात्र मतलब आत्मा एव सत्यम, यह मात्र शब्द का केवल ऊपर जो बोल सकता है आत्मा इति अस्य व्याख्यान विषय का व्याख्यान है आत्ममात्रम् इति तत् सत्यम् इति अवधारणा एव कारस्य दृष्टान्त निविष्टस्य दृष्टान्त के अनुसन्धान इति अर्थ, वहाँ पे जो आया हुआ है मूल श्रुति मतलब छात्रों को श्रुति में सदेश अनिमां ऐतरात्मिदं सर्वं तत् सत्यम् स आत्मा तत्त्वमसि चेतकेतु, इधर जब दृष्टांत में दिखाया था उस समय जो बोले थे मृत्यु का इतव सत्य, जब दृष्टांत में घटा करके दिखा था तदेव सत्यम नहीं बोले, सदैव सत्यम नहीं बोला, तत्सत्यम ऐसा करके बोल दिया, तो यहाँ भी हमारे ग्रंथ का आनंद गिर जी बोलता है तत्सत्यम ये तत्सत्यम की ये मतलब वो जो छंद तत्सत्यम ये बात तत्सत्यम ये अवधारणा इस प्रकार से वहाँ पे निश्चय करने कारण एवकारस्य दृष्टान्त निविष्टस्य वो जो एवकार जो दृष्टान्त मृत्यु का इतव सत्यम कहाँ दृष्टान्त मृत्यु का इतव वो एवकार को ध्यान पे लगा मतलब सदैव सत्यम ऐसा निश्चय करना, इसलिए तत्सत्यम इति अवधारणा एवकारस्य दृष्टान्त निविष्टस्य दृष्टान्त जो दृष्टान्त हो गया मृत्यु का दृष्टान्त हो गया सद आत्मा है ना, अनुसंग मतलब दोबारा वहाँ पे लगाना उसको जोड़ना है ना उसको अन्वय करना अनुसंग पश्चात अन्वय संग जोड़ देना इति अर्थ, यहाँ पे देखिए सात नंबर आठ नंबर नौ नंबर तीन टिप्पण दिखाई दे रहा है, सात नंबर टिप्पण अनात्मना आत्मनि अध्यस्तत्वात् इति कुतो अवधारण श्रुतिकर इति आहत्त सत्यम, अनात्म वस्तुओं का आत्मनि अध वो आत्मा में अध्यस्त है इति कुतो अवधारणा भी उसमें अध्यस्त भी निश्चय कैसे करें हम, अनात्मा वस्तु आत्मा में अध्यस्त है हम निश्चय कैसे करें, सत्य दिखा दिया कि अधिष्ठान सत्य है, मैं एक दिन बताया था आपको कि हमारे इसका लक्षण है मतलब मिथ्या का एक लक्षण है ज्ञान निवर्तक मिथ्या है ना, हम सभी का समझ में आते हैं ज्ञान के द्वारा जो वस्तु मिल जाते हैं वो मिथ्या है, क्यों उस लक्ष्य को ऊपर दिखाई दे रहा है जो सत्य वो सत्य को बचाने के लिए आपको लट्ठी अथवा लकड़ी अथवा आँख कुछ नहीं चाहिए, केवल मतलब अधिष्ठान के ज्ञान से ही मिल जाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं शुद्ध अर्थापत्ति बोलते हैं, शुद्ध अर्थापत्ति
अब तब क्या हो गया, अभी आएगा क्या मात्र को, तो जो ज्ञान के द्वारा मिट जाते हैं वो मिथ्या अवस्था है। सूर्य क्या होता है, तत्सत्तम, क्या बोला वहाँ पे, तत्सत्तम है, यानी कि वो अनात्मा वस्तु मिथ्या हुए बिना उसको सत्य, उसके जानने से ही मात्र उसका कुछ ही नहीं, और कुछ भी नहीं कहा, इतना जानने मात्र से आपको करके अनात्मा वस्तु मिल जाते हैं। इसको दो जगह पे हमको और मिलते हैं, एक हो गया तरति शोकम आत्मविद, ठीक है, तरति शोकम आत्मविद, वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये छात्र को शब्द मत है, तो क्या बोला, आत्मविद्ता पुरुष शोक को पार कर जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि आत्मज्ञान से सुख मिल जाता है, आत्मविद्ता पुरुष शोक पार करते हैं, मतलब आत्मज्ञान से शोक मिलता है, यानी कि शोक गुण कोई पारणार्थी वस्तु नहीं है, शोकस्य विद्धत्व बिना ज्ञान निवर्तकत्व अनुभवगम सुत अर्थापत्ति, आत्मज्ञान निवर्तकत्व सुत अर्थापत्ति होते हैं, ये यहाँ पे मिला। और मेरा ये जो प्रश्न परिषद में इमा परिद्रष्टु इमा शोकस कला पुरुषायना पुरुषम प्रत्यस्तम गच्छति पुरुष इत्येव गच्छति, इमा परिद्रष्टु ये जो आप देखने वाले का ये जो सोलह कला हमने अपने ऊपर कल्पना की थी, ये सारा कला जो है क्या था, पुरुष में लय प्राप्त कर लेते हैं, जो पुरुष को जान लेते हैं तो कहते हैं कलाए पुरुष में लय प्राप्त कर, मतलब विनाश हो जाता है, ये जो यहाँ पे बोला कि हम शुरू प्राप्त करते, यदि ये कला सत्य होता तो ज्ञान नष्ट कर नाश नहीं होता, ये ज्ञान के द्वारा नाश हो जाएगी, ये कलाए सत्य नहीं है, यानी इसको शुरू प्राप्त करते, यहाँ भी ऐसा ही बोला तत्सत्यम, तत्सत्यम मतलब इसका मतलब निकल, ये सत्य है, यानी कि वो जो आप अनंत वस्तु दिखाई पड़ रहा है वो जो है ये सत्य इसके ज्ञान से ही मिल जाते, इसलिए ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, अवधारणा वहाँ पे ऐसा निश्चय करके दिखाया, ये दिखाने के कारण जो है क्या हुआ कि वो जो है बाकी जो परमात्म वस्तु दिखाई दे रहे वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, इसको मन में रखना है, अनात्मनाम आत्मा अर्थस्तत्वादि विभूत अवधारणा, ये कैसे हम निश्चय करके सूचित तत्सत्य अवधारणा श्रुति हम बोलते हैं वही एकमात्र सत्य वस्तु है, तत्सत्यम जिसको सत्य किसी भी ग्रंथ में पहले प्रत्येक उपक्रम में जिस शब्द को प्रयोग किया गया है, चाहे उसको कहीं भी आगे पूरा उस प्रकरण में अन्य किसी भी शब्दों के द्वारा प्रयोग अन्य किसी शब्दों प्रयोग किया गया उस वस्तु को ही समझाना चाहते, इसको सब शब्दों के द्वारा कह करके तत्शब्द के द्वारा उसी का ही मतलब समझा रहे हैं। बीच में एक जगह शब्द आता है प्राणबंधन में सौम्य मन चंद प्राणबंधन में सौम्य मन, तो वहाँ पे जो है सामान्य रूप से प्राण बंधन ऐसे तो लग जाएगा प्राणायाम के द्वारा मन को रोक दिया, परंतु हम अकबर भाग चुका बोलते हैं कि यहाँ पे प्राण शब्द के द्वारा उस सत्य को कहा जा रहा है और मन शब्द के द्वारा जीव को कहा जा रहा है, जीव का एकमात्र आश्रय वो सत्य ही है, प्राण जीव उसका बंधन, इसी पर वहाँ को ही निश्चय करके दिखाया, इसलिए अनात्मा नाम आत्मा ने अध्यस्त तत्व आत्मा ने अध्यस्त होने में देखो जो अब हम ये निश्चय कैसे कर सकते, तो बोलते श्रुति आपने कह दी है तत्सत्यम, तत्सत्यम सदैव सत्य, हमें क्या कहना चाहते हैं सदैव सत्य, के प्रकार के द्वारा अनात्मा वस्तु व्यवर्तन करना चाहते हैं, अवधारणा इस प्रकार निश्चय होने के कारण निश्चय करवाने के कारण आत्मनंबर एव कार श्रुतौ अपि न अवधारण कारणमस्ति, श्रुति में तो वहाँ पे अवधारण तो नहीं है तत्सत्यम ऐसा बोला, तदेव सत्यम ऐसा तो नहीं बोला, वहाँ पे अवधारण तो नहीं कर रहा श्रुति में, शंका वाली बोलते हैं श्रुतौ अपि न अवधारण कारणमस्ति, वहाँ पे तो निश्चय करने के लिए जो शब्द उसको तो हमें किया नहीं गया, यदि आशंका हो तब तो शंका करते तब उसको एवकार से वहाँ पे जो एवकार वृत्तिका इत्येव सत्यम, जो वहाँ पे जो एवकार है मतलब दृष्टान्त निविष्ट दृष्टान्तिक अनुशंका, दृष्टान्त में जो एवकार दिया गया है वो दृष्टान्त में उसको लगा कर दिया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दृष्टान्त निविष्ट नंबर टीम दृष्टान्त क्या है वृत्तिका इत्येव इति दृष्टान्त, वृत्तिका इत्येव सत्य में दृष्टान्त है, अब दृष्टान्त क्या है सदैव सत्य, वही मूल कारण दिखा क्या लिखा था सदैव संवेदम आशीन एकमेव अद्वितीय है ना, तदक्षत फिर उसने क्षण किया था पहले न जीवन आत्मा प्रविश्व नाम रूप कर्माणी तत्तेज अश्रेयत तत्तेज ऐक्षत तत् आप अक्षत तद आप ऐक्षत तद अन्नम अश्रेयत, इस प्रकार से एक के बाद क्षण करते हुए सृष्टि को दिखाते हैं वहाँ पे, इसलिए मृत्यु का एक देव एक दृष्टान्त, ये है दृष्टान्त, तो दृष्टान्त से उस देवकार को उठा करके दृष्टान्त में जमा करके उनके दृष्टान्त प्रमाण इस प्रकार दृष्टान्त में प्रमाण भी दिया आचारम मनोविकारणाम ध्येयम
वृत्ति का जो पहले क्या बोले जो वाणी के द्वारा शुरू होते हैं उस अधिकार मात्र की पारमार्थी उसके नाम मात्र है वो कोई पारमार्थी का नहीं है। वाचारम वाणी के द्वारा बोलने जो भी कोई वस्तु है वो विकार मात्र है वो नाम मात्र है विकार मात्र देव बद्ध है शार्थिक बद्ध होता है वृत्ति का ही देव सत्य वहाँ पर तो उपादान मूल उपादान कारण सत्य है। अवशिष्टानी अक्षरानी व्याजस्ते तो बचा हुआ जो अक्षर है श्लोक में उसको व्याख्या करते हैं। दस मतलब ये आत्मसत्य अनुबोधे न तो आत्मा ही सत्य इतना हो गया मूल में क्या है आत्मसत्य अनुबोधे न तो आपने पहले आत्मा ही सत्य इतने को दिखाया फिर आप क्या आया अवशिष्ट अक्षर है अनुबोधे नाम से क्या किसके आपको बोलना चाहते हैं अभी तक जो अर्थ दिया आत्मा ही सत्य इतना दिखाया वहाँ पे क्या हुआ है आत्मा शब्द अनुबोध है ना तो अनुबोध शब्द का तो नहीं किया इसलिए आगे बोलते हैं अवशिष्टानी अक्षरानी व्याजस्ते बचे हुए जो पद है उसको व्याख्या करते हैं भगवान भाषण तस् शास्त्र आचार्य उपदेश अनु अवबोध आत्मसत्व अनुबोध ठीक है ना आत्मैव सत्य आत्मसत्व तस्य अनुबोध आत्मसत्व अनुबोध ये पहले कर्मधारय समस्या फिर षष्ठी तत्व समझ पहले कर्मधारय समझ आत्मैव सत्य आत्मसत्व द्वैत कर्मधारय समझा तस्य अनुबोध षष्ठी तत्व समझ है आत्मसत्व अनुबोध भाष्यकार दिखा रहे इसको तस्य शास्त्र आचार्य उपदेश अनु अवबोध उसका जो बोध होता है वही हो गया आत्मसत्व अनुबोध। अब जो है तेन संकल्प्य अभावतया न संकल्पयति अब क्या हो गया इसलिए आत्मसत्य अनुबोधेन न संकल्पयति यदा तो यह ध्यान रखो कि आत्मसत्य अनुबोध और क्योंकि आत्मा ही सत्य है और कोई वस्तु में सत्य है ही नहीं हमारे उपयोगी है ही नहीं तब क्या होता है उस वस्तु संबंधित चिंता संकल्प ही नहीं करता इसलिए बोलते हैं कि तेन संकल्प अभाव होता है संकल्प करने योग्य कोई वस्तु नहीं होने के कारण मैं संकल्प नहीं करता कभी भगवान की सत्ता तो रहता है परंतु है तो वृत्ति लय हो जाता है ये अमन हो जाता है न संकल्प हो जाती तो अब ये तेन पद आएगा तेन पद भाषण उस तेन पद का अर्थ टीकाकार लेकर तेन तत्व ज्ञानेन आत्म अतिरिक्त अर्थ अभाव निश्चित है ना उस तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मा से भिन्न करके कोई वस्तु है नहीं संसार में ऐसा निश्चय हो जाने पर है ना इसलिए बोलते हैं आत्म अतिरिक्त अर्थ अभाव निश्चय आत्मा से भिन्न करके वस्तु के अभाव अधिष्ठान से भिन्न करके कभी भी आप रज्जु को दिखाई दे रहे हैं सर्प को आप रज्जु से अलग करके देखना चाहे कभी नहीं देख सकते कभी नहीं देख सकते रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प वो सर्प को आप कभी भी रज्जु से अलग करके नहीं देख सकते कि किसी का संसर्ग नाम जो भी उसके कर करता है उसको आप कभी भी अधिष्ठान आत्मा से छोड़ कर अलग करके नहीं देख सकते इसलिए उस संबंधित शंका नहीं करते संकल्प नहीं करता तेन आत्म तत्व ज्ञान आत्म अतिरिक्त अर्थ अभाव निश्चित उस तत्व ज्ञान के कारण क्या हो गया कि आत्मा से कोई भिन्न करके कोई वस्तु की विद्यमानता ही नहीं है ऐसा निश्चय हो जाने पर क्या बोला यहाँ पे संकल्प विषय अभाव निर्धारण संकल्प विषय अभाव निर्धारण संकल्प अभाव दृष्टांत मानो संकल्प करने जो को विषय की अभाव की निश्चय हो जाने के कारण संकल्प विषय मतलब संकल्प करने जो को विषय की अभाव निर्धारण या उसके निश्चय हो जाने के फलस्वरूप संकल्प अभाव दृष्टांत मतलब संकल्प नहीं होता इस विषय में एक दृष्टांत को दे रहे हैं भगवान हम से दृष्टांत संकल्प अभाव दृष्टांत अब दृष्टांत क्या देगा कायिक वस्तु के अभाव से अग्नि की दाहकता नाश होता है उसको दृष्टांत दाह्य अभावे जलनम इव अग्नि जैसे अग्नि में यदि आपने दहन मतलब दहन होने योग्य वस्तु नहीं है तो उसको दाही का शक्ति है उस समय मतलब अग्नि जब भी रहेगा तो दाह्य शक्ति रहेगा अब दाह्य वस्तु नहीं है सन्नावित व्यक्त नहीं हो रहा है परंतु जलनमिव मतलब उसको दाही का शक्ति अग्नि दाह्य अभावे वो मतलब नाश हो जाता है इसी का यहाँ पे संकल्प विषय अभाव निर्धारण आया संकल्प अभावे दृष्टांत महादृष्टांत दाई अभावे जलन विव अग्नि मुझे वो ठीक था समझ रहे हैं तथा अग्नि दाई अभावे से अग्नि का दहन होने यज्ञ वस्तु के अभाव हो जाने पर जलन न भवती फिर अग्नि जब जलती नहीं है तब अग्नि जो है बस ऐसे इस प्रकार इस समय इलाके में अग्नि है पर जलती नहीं है क्योंकि जो है हमने इसमें अभिव्यक्त
इसीलिए बोलते हैं न भवती तथा संकल्प अभाव ही ठीक उसी प्रकार मतलब संकल्प करने योग्य वस्तु के अभाव होने के कारण तथा संकल्पीय अभाव संकल्प नहीं अवकाश है तो संकल्प होने का अवकाश ही नहीं रहता। बाह्य वस्तु के अभाव में जैसे ग्रहण के अवकाश नहीं रहता उसी प्रकार संकल्प करने योग्य वस्तु के अभाव होने के कारण भी संकल्प नहीं होता संकल्प अवकाश मनो अग्रह मतलब बोल है जब ग्रहण करने लोग को कोई वस्तु नहीं रह गया तब क्या हो जाएगा कि मन अब फिर किसी विषय में संकल्प नहीं करता मन तब का तब कहता मन जो है मन रूप में ग्रहण नहीं होता तब आत्म रूप में ग्रहण होता मन तो मन रूप में ग्रहण नहीं होता आत्म रूप में ग्रहण होता ग्रहण विकल्पना वर्जिता ग्रहण रूपी जो विकल्प संकल्प विकल्प करना इससे वही हो जाता है मन स्वरूप मन का स्वरूप क्या हो जाता है मन का स्वरूप क्या हो जाता है अधिष्ठान के ऊपर कल्पित वस्तु जब अधिष्ठान के ज्ञान हो जाता है कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप हो जाता है यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दृष्टान्त रखना पूरी भिन्नता बुलाई गई है हमने दृष्टान्त में रज्जु रूप सर्प दिखाई दे रहा है सर्प नहीं दिखाई देगा परंतु आत्मसत्व अनुभव है ना आप जब मन जब संकल्प करना बंद करेगा तो क्या मन बिल्कुल लय हो जाएगा तब तो जीवन मुक्त पुरुष के कोई व्यवहार ही नहीं होता भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं उपदीक्षति यदि वो पागल हो जाता मन ही नहीं रहता तो ज्ञानी तत्व कैसे करेगा यानी कि वो स्थिति नहीं मन क्या शुद्ध आत्मरूप हो जाता आत्मविचार के फलस्वरूप जब कभी भी बोलेगा जब कभी भी सोचेगा बचते वो आत्मसंबंधित ही बात आत्मसंबंधित विषय को अवलंबन करते जीते ये चीज जो है नहीं तो कभी कभी घबरा को हो जाती तब क्या मतलब ज्ञान होने के बाद क्या व्यक्ति कोई कैंसर पेशेंट अथवा टीबी पेशेंट अथवा क्या जो पागल हो जाएगा हाँ व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी बोल सकता है कि देखो उतना व्यवहारिक बोलते ही रहता है कि कुछ चार लक्षण बोलते हैं बालक बाल पागल वर पिशाच वर बालक वर उन्मान पागल उन्मान मतलब तो पहले बोला उन्मान की तरह पिशाच की तरह बालक की तरह ऐसा व्यवहार जड़ोवत इस प्रकार की जड़ोवत पिशाचवत उन्मान पर ऐसा हो सकता है तो अन्य लोग की दृष्टि से बंधु अपने दृष्टि में ऐसा नहीं है पहले ही बात है अपने दृष्टि में ज्ञानी नामक कोई वस्तु रहा ही नहीं गया ज्ञानी ज्ञान शुरू हो जाता है इसके फलस्वरूप मन अमन हो जाता है संकल्प हवे इन मनुष्यों के मन ऐसी स्थिति में आ जाते हैं शुद्ध भाव में रहते हैं शुद्ध आत्मभाव में रहते हैं अब इस समय अब प्रश्न होता है जब तो मन से सब कुछ जानते हैं तो जब मन ही काम नहीं करेगा तो आत्म साक्षात्कार होगा कैसे प्रजापति ऋषि के पास गए अब वहाँ पे ऐसा नहीं कहा जैसे अर्जुन बोलते हैं ऐसा तो इंद्र को वहाँ पे बोलते नहीं सुनाई देता परंतु वहाँ पे अंतिम तक जब प्रजापति उसको बोलते हैं कि भगवान अशरीरम बाब संतना प्रिय प्रिय कृषत सशरीरम बाब संतना प्रिय प्रिय तब उसके बाद जो है इंद्र दोबारा घूम के नहीं आया इंद्र दोबारा आगे आगे नहीं बोलता कि न हम तो भोग कम पश्चात इससे क्या सिद्ध होता है कि जितना बार उनके मन में डाउट था उतना बार घूम घूम के वापस आया इस राष्ट्र अगर लास्ट जो उपदेश सुनने के बाद विचार करने के बाद फिर घूम के वापस नहीं आए इससे हम ये समझ सकते हैं कि उनके इंद्र है उस समय गायब हो गए
स्वामी जी बात क्या है, ये जो है आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं है, ये किसके धर्म है, मन के धर्म है। मन अमन हो गया, मन अमन हो गया तो मन में स्वाभाविक रूप से नहीं दिखाई देगा, परंतु प्रारब्ध अत्यंत बलवान होता है, प्रारब्ध अत्यंत बलवान होता है। यदि आपको कहीं सुख अथवा दुख भोगने में प्रारब्ध में जो दिख रहता होगा, तो यदि इस प्रकार काम क्रोध आदि कोई वृद्धि मन में नहीं उठेगा तो सुख दुख का अनुभव कैसे होगा। नहीं आपको ये तो स्वाभाविक होता है, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा बोलते हैं, इसलिए जो है ये कम नहीं होगा कि यदि कृतोपस्थित पुरुष है, मैं बता रहा हूँ आपको जिन अनुभव से, कृतोपस्थित पुरुष है पहले जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देते थे उपासना किए हुई है पहले से, परंतु वहाँ पर इस प्रकार की वृत्ति होना संभव नहीं है ज्ञान के बल, परंतु तीव्र वैराग्य के फलस्वरूप और जब मतलब साधना के बल से तीव्र वैराग्य के बल से ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु वाचा हुआ जीवन मुक्ति अवस्था में जीवन मुक्त पुरुष का जो आनंद मिलता है, यदि उस समय वो मनोनाश की अभ्यास नहीं करेगा, वासना अभ्यास नहीं करेगा, तब उसके जीवन मुक्ति को वो आनंद नहीं मिलेगा जो कृतो उपस्थित पुरुष को मिलता है। समझ में आ गया क्या सूक्ष्म भिन्नता है। एक व्यक्ति जो है अपने वैराग्य की तीव्रता के कारण और फिर अपोषका के बल से जो है ज्ञान तो हुआ, ज्ञान होने के बाद मन परंतु प्रारब्ध है, प्रारब्ध है तो प्रारब्ध के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो यदि उस समय ज्ञान के बाद बचा हुआ समय में यदि वो वासना नाचन मन क्षय में मन जीवन को नहीं लगेगा, इधर हो गया बस अब तो कुछ नहीं है ये भाव आ जाएगा, तब क्या हो सकता है वो कृतोपस्थित पुरुष की जीवन, हाँ विधि कैवल्य में फल में कोई भेद नहीं दिखेगा, विधुर कैवल्य के फल में कोई भेद नहीं दिखेगा, परंतु जीवन मुक्ति में भिन्न भिन्नता दिखेगा, जीवन मुक्त में भिन्न। हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं या उपनिषद में इंद्र को जब हमको देखते हैं, केनो उपनिषद में भी इंद्र को शिष्य के रूप में जाते हुए देखा, वेदांत उपनिषद में इंद्र जो दत्तर अथर्वशी के बाद गया तो उसको उपदेश किया गया था कि यह दंदा राम ही पुरुष है, तू तो अभी मतलब स्त्री आशक्ति है तेरे को जो भगा दिया था उनको, परंतु प्रजापति ऋषि ने 108 साल तक बैठ कर तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान भाषा दिया, परंतु कौशिक उपनिषद में जो प्रतर्दन अधिकार अधिकरण ब्रह्मसूत्र में वहाँ पर इंद्र को जो है उपदेश देते हुए दिखाई पड़ता है। तो अब इंद्रमन माने कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है, ध्यान रखना इंद्र एक पद है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हम जाके बैठते हैं, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, इंद्र एक पद है, अलग व्यक्ति अलग अलग उपासना करके वहाँ पे अलग अलग तल में बैठते हैं वहाँ पे, इसी प्रकार आप वहाँ पे इंद्र को ज्ञान हुआ था नहीं हुआ था ये तो शास्त्र से इतना प्राप्त हो जाए, एक जगह पे इंद्र को उपदेश करते भी दिखाई पड़ते हैं। अच्छा दूसरी बात क्या है, देखिए भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान है कि नहीं है, है अब उतना बड़ा महाभारत युद्ध कराने के लिए क्यों अर्जुन को बुलाते हैं क्या, बस बस यही बता दिया आप लाइन अब यहाँ गाइडलाइन, इंद्र जो उस समय जो असुरों को नाश करने के लिए धर्म युद्ध काम कर रहे थे, इसीलिए अरे मतलब वो जो अधर्म विरुद्ध काम कर रहा था, क्योंकि असुर असुर को देखो ये जो हमको हम भी ये देखते हैं कहाँ महाभारत में दिखाई पड़ते हैं, एकलव्य थे, एकलव्य अर्जुन से अधिक वो थे क्या मतलब धनुर्धर में, परंतु गुरु जी के पास जाके जब दिखा तब बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा दो मेरे को, क्या किया था उसको, क्योंकि जो अनधिकारी पुरुष के अंदर यदि योग्यता आ जाता है ना तब वो जो है मतलब समाज के लिए हितकारक नहीं भी हो सकता, इसलिए जो है कई चीज जो हमारी बुद्धि में नहीं बैठ सकता, हमको तो लगता है वो तो ठीक कर रहा है, परंतु ईश्वर की निर्देश बहुत सूक्ष्म होता है, वो जो है हम उस समय समझ नहीं पाए, इसलिए इंद्र क्यों विद्वान को मारा था, क्या उसको ज्ञान हुआ था, इस विषय में प्रश्न उठाना आसक्त है हमारे मन में, आसक्त है हमारे मन में, ज्ञानी पुरुष में सामान्य लक्षण तो ठीक है, प्रारब्ध बोला ना कोई प्रारब्ध कोई बलवान होता है।
कि जो है ना ये सभी का एक प्रकार की नहीं मतलब प्रारंभ जीवन में जो जीवन मुक्त अवस्था में भिन्नता है हाँ विद्युत कई बड़े में कोई भिन्नता नहीं ये प्रारंभ में। अब जो है मन ही जब नाश हो गया तो अभी आत्म साक्षात्कार होगा कैसे आत्मा का जानेंगे कौन तब इसको लेकर के अगला श्लोक बोल जाए कि मतलब अब 33 में आपके पुस्तक में देखिए तो था तो श्लोक नंबर क्या लिखा हुआ जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं मतलब अभी इसका पहले वाला क्या था 32 के बाद 26 होता कि नहीं होता वो 33 बैठ लीजिए उसका वो 33 होगा। तो अभी अब टीका भी देखो टीका मनुष्य चेत मनस्कम व्यावर्तते मन में रहने वाले जो है मनस्थ धर्म वही यदि निकल गया देखो मन निकल गया नहीं बोल रहे हैं मन निकल गया नहीं बोल रहे क्या निकल गया मन की जो मनस्थ धर्म है वो निकल गया यदि वही निकल गया तभी कथम आत्मन अवबोध है तब आत्मा का अवबोध कैसे हो सकता है आत्मा का अवबोध कैसे हो सकता है यहाँ पे बोलते हैं व्यंजन को अभाव क्योंकि प्रकाश करने वाले का अभाव हो जाने के कारण एक यहाँ पे एक शंका का कि मन कितना जगह पे गलती है मन प्रकाशक नहीं है मन तो आत्मा के प्रकाश के तरह प्रकाशित होते हैं कितना हिस्से में शंका में गलती है मनुष्य चेत मनस्तम व्यावर्त के तरीका तो हम आत्मा ना अवबोध अगर आत्मा का अवबोध कैसे होगा क्यों व्यंजन का अभाव उसको प्रकाश करने का तो अभाव हो जाएगा ये भिन्नता है क्या भिन्नता है अन्य वस्तु को प्रकाश करने के लिए एक मन की व बुद्धि की प्रकाश चाहिए परंतु आत्मा स्वयं प्रकाश है इसलिए वो किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु को देखने के लिए सूर्य की प्रकाश चाहिए तो सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरा प्रकाश नहीं चाहिए एक आत्मा प्रकाश इसलिए सूर्य स्वयं प्रकाश आप बोलते हैं मैं सूर्य का प्रकाश हूँ मैं इसी प्रकार से यहाँ पे मनुष्य मनस्तम व्यावर्तते तभी कथम आत्मा अवबोध मन से यदि मनुष्य धर्म ही निकल गया तो आत्मा का अवबोध कैसे हो सकता है व्यंजन का भगवान की उसका प्रकाश करने वाला तो कोई नहीं जाएगा ऐसा शंका करने पर उत्तर देते हैं अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयम् अजं नित्य मजेनाजं विबुध्यते अकल्पकमजं ज्ञानं येयाभिन्नं प्रचक्षते अकल्पकम है जिसमें कोई विकल्प नहीं है अकल्पकम अजम ज्ञानम जिस ज्ञान में कोई विकल्प होना संभव नहीं है जो ज्ञान जन्म रहित है इस प्रकार जो ज्ञान है ज्ञान अभिन्नम और जानने जो वस्तु है उससे वो अभिन्नम होता है। यहाँ पे थोड़ा कठिन लग सकता है भगवद गीता के श्लोक तक को तो याद नहीं होगा समझ में लगता है सरल है नियम जब तक प्रवक्षामि यज्ञता अमृतम अस्मते अनादिमत परम ब्रह्म दर्शन करना सरोज बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं ज्योतिषाम ज्योति तमश परम उच्चते ज्ञानम नियम ज्ञान गमितमी ठीक है। अब बोलो यहाँ पे तो बोले जो ब्रह्म के बारे में कथन करेगा बोलो ब्रह्म बोलते वही ज्ञान है वही नियम है और ज्ञान गम मतलब ज्ञान का फल भी हुई है भगवत गीता में ना यह मतलब एक ही शब्द यहाँ भी बोल प्रसंग से वही चीज जो ब्रह्म के बारे में कथन करने का प्रतिज्ञा करके नियम जब तक प्रवक्षण है ना पहले ज्ञान बोलकर मामित समाधान ज्ञान का साधन निकल तो ज्ञान बोले थे उसके बाद अब नियम के बारे में मैं कथन करूंगा नियम के बारे में कथन करते हुए या पहले क्या बोला उसको सत असत्य से रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता कार्य कारण भाव आदि सुख निरूपण दूर सुख का निरूपण नहीं किया जा सकता इस प्रकार बोलते बोलते फिर आगे क्या बोलते हैं ज्योतिषामो की अच्छी है ना वो स्वयं प्रकाश है समस्त प्रकाश का प्रकाश है तमस परम उच्च जो अज्ञान से पड़े है मतलब अज्ञान उसको छू नहीं पाए वही ज्ञान है वही गेम है वही ज्ञान मन में है स्वयं ज्ञान शुरू है वही संसार में जानने योग्य है अभी जो ज्ञान का फल भी हुई अब कोई अलग फल नहीं अभी है अब वो है कहाँ पे हृदय अपने हृदय में उसको सुनना है यहाँ 13 भी आता है क्या लगता है 16 सत्रह
यहाँ पे अकल्पकम ही बोलते हैं, अकल्पकम, यहाँ पे कोई कल्पना नहीं होता, वो जन्म रहित है ना, उत्पत्ति रहित है, वो ज्ञान भी है और ज्ञेय अभिन्न है, मतलब जिस संसार में जानने जो उसको वस्तु से भिन्न नहीं है। चलिए कभी ना सोच कर यहाँ पे देखिए, मतलब मैं घट ज्ञान, पट ज्ञान, मैं घट को जानता हूँ, पट को जानता हूँ, मन को जानता हूँ, आकाश को जानता हूँ, हिमालय को जानता हूँ, नदी को जानता हूँ, जानना क्या इस मतलब घट ज्ञान, पट ज्ञान, मन ज्ञान, ये सब जो है ना रकम जाना, अब इसको उपाधि को छोड़ करके ये जानना क्या वस्तु है, इसको पर कभी थोड़ा मतलब उपाधि के साथ घट ज्ञान, घर के समय अब समझ मार है, अब घट को हटाइए, पट को हटाइए, नाम रूप को हटा दे जाइए, देखिए देखिए ज्ञान है वही ज्ञेय है वही संसार है, क्योंकि आत्मा का दृष्टि इससे बिना संघ आत्मा एक उपासित शुद्ध आत्मा एक मत चिंतन है, इसलिए अकल्पक अजम ज्ञानम ज्ञाभिन्न प्रत्यक्ष से अभिन्न इस प्रकार कहा जाता है, अरे ही ब्रह्म है ये, कोई कुछ भिन्न नहीं, इसलिए ब्रह्म मतलब निर्विषय व्यापक शुद्ध अशांत करता है, यही ज्ञेय भी है जानने योग्य भी है, और अजम नित्यम अजैन अजम विबुद्धते, वो जन्म रहित है वो नित्य है, ठीक है ना, अजम तो दो बार बोल रहे हैं, कोई मुख कभी सृष्टि को निराकरण कर सकता है, वो नित्य है, उसका सृष्टि होना कुछ संभव है, तो जानता कौन है, अजैन अजम विबुद्धते है ना, एक जन्म रहित तत्व के द्वारा एक जन्म रहित दो जन्म रहित है, आप ही अपने आप अपने को जानना आपको भूल जाते हैं, मतलब जिस समय अंतर पर भगवत भाव दृढ़ हो जाता है तभी अपने आप अभी हमारी भरणी उसके साथ भगवत गीता ने कहा नाश्रम आत्मभावस्तु ज्ञान अभी ज्ञान अंदर बैठ करके प्रकाश के तरह नाश, शब्द में थोड़ा सा भिन्नता है परंतु प्रत्येक वर्ग का एक अकल्प कम अजम ज्ञानम ज्ञाभिन्नम प्रत्यक्षति, ये जो है विकल्प रहित एक जन्म ही जो चेतन है ज्ञान से चेतन तत्व और जानने जो वस्तु उसी को पर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उससे अभिन्न रूप में कहा जाता है, और क्या है वो व्यापक है वो असंग है वो जानने योग्य है और जन्म रहित है, इस प्रकार नित्य अजैन अजम विबुद्धते, अजैन एक जन्म रहित तत्व के द्वारा एक जन्म रहित तत्व को समझा जाए, क्योंकि ये जो हमारे पास आता है पूरे यहाँ पे मन से यहाँ पे मन के द्वारा आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, मन के द्वारा क्या करना पड़ेगा निहन नास्ती, भिन्नता नहीं है ये निश्चय, ब्रह्म का एक निश्चय, अब वो अपने आप ही प्रकाश है, मन उसका प्रकाश नहीं करता, बोलते हैं नहीं वो बाचा ना मनुष्य प्राप्त हो सकते ना जब चीज मन के द्वारा मन के द्वारा आम के द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वही स्थिति क्या बोलते हैं मनुष्य बैठो मनुष्य बैठो आत्मदम होना ना स्थिति है, तो श्रुति विरोध बोल रही है, श्रुति विरोध नहीं बोलता, श्रुति हमको एक साधन बताया, मन उसको विषय नहीं कर सकता, किंतु मन को जब भी आप शुद्ध कर सकते हैं तो वो मन क्या होता है ये जो है तो बाहरी विषय नहीं रहने का वहाँ उसका प्रकाश स्पष्ट रूप में भी करते बोलने की तो यहाँ पे करने के लिए, तो एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है यहाँ पे ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजीर्ण अजम विपुल का दो व्यापक है वही संसार में जानने योग्य है, वो जो है ये दो बार अजम बोला ना, एक बार अजम ऊपर भी बोला देखिए अकल्पकम अजम कल आया था हमारी भगवद गीता में क्या आया था कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे कल भगवान क्या माँ को दो बार आया था सततम कीर्तयन्तुम् अहम् यतन्तश्च तिरोव्रत नेक्स्ट लाइन नित्य युक्त उपासते
नवम अध्याय की 11वां देखिएगा, 11 और 12। नमस्कार समान भाव का नित्य युक्त उपासना है। नमस्कार समान भाव दो बार देखिए, माम शब्द आया हुआ है, उसके बाद दो बार नाम नमस्त भक्ता नित्य युक्त उपासना, दो बार माम शब्द आया हुआ है, दो बार मतलब मुझको तो एक बार जो है दीर्घो में रखा गया विशेष यहाँ की अजम शब्द दो बार आया हुआ है। तो वहाँ पे देखिए टिप्पणी का क्या बोलते हैं, अजम पुनर्वचन नित्य साधना है अनुवाद मात्र, फिर आगे आते हो ना नित्यम, तो नित्य कैसे हो सकता है, जो जन्म वाला होगा वो नित्य नहीं हो सकता, तो नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए ये जन्म अजम शब्द को दोबारा प्रयोग किया गया नित्यत्व के लिए, तो दिखाने के लिए इसके अंदर बोलते हैं पुनर्वचन नित्यत्व साधना या नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए अनुवाद मात्र अजत्वात्व, ये अजम मतलब अजत्वात् नित्यम, मतलब नित्यम अजत्वात् हरिवतम अनित्यम जत्वात् जगत मिथ्या, बोलते हैं पुनर्वचन नित्यत्व साधना या अनुवाद मात्र अजत्यम अजत्व नित्य मिति अर्थ मतलब अजय होने के कारण नित्य ही इसका मित्र है, यदि न व्यर्थम इसलिए मतलब पुनरुक्ति दोष के द्वारा प्रसिद्ध नहीं है, व्यर्थ नहीं है, यहाँ पे अजत्व को मतलब नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए अजत्व हेतु इसलिए आप दिखा रहे हैं कारण अजीन अजम विभुत, इस प्रकार एक जन्म ही तत्व के द्वारा एक जन्म ही तत्व को अनुमान किया जाता है। अब देखिए टीकाकार बोलते हैं श्लोक व्यावर्त्याम शंका आह, इस श्लोक के द्वारा जिस शंका को निराकरण करना चाहते हैं भगवान भाष्यकर की विषय है, प्रत्येक श्लोक के संबंध जोड़ने के लिए उसके पीछे हमारे मन में जो शंका हो सकता है जो नहीं हो सकता हम लोगों के अंदर श्लोक में विचार कर ही नहीं सकता, वो शंका को उठा करके उसको निराकरण करने के लिए इस श्लोक को बोलते हैं श्लोक व्यावर्त्याम शंका, श्लोक के द्वारा निराकरण करने जो कुछ शंका है उसको कहते हैं। यदि असत इदम द्वैतम कहीं केन स्वम अजम आत्मदत्तम विभुतते, यदि असत इदम द्वैतम, यदि ये द्वैत प्रपंच सब असत है ना, और मन मन भी द्वैत प्रपंच का अंदर रहेगा कि नहीं, ये असत हो गया तब कही तब तो केन स्वम अजम आत्म किससे, ये स्वरूपभूत जो जन्मरहित आत्मतत्व है, स्वरूपभूत जन्मरहित जो आत्मतत्व उस आत्मतत्व किस करण के द्वारा जाना जाता है, यहाँ पे केन दो नंबर डिप्रेंस है करण है ना, किस करण के द्वारा उसको जाना जाएगा, इस प्रकार शंका होगी। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाश, आत्मा किसी भी वस्तु को जानने के लिए एक बाहरी प्रकाश की आवश्यकता होती है, पर आत्मा को जानने के लिए एक बाहरी प्रकाश की आवश्यकता है, क्यों आत्मा स्वयं प्रकाश, इसके लिए जो है किसी को उत्तर के रूप में कहेंगे मतलब समय होगा। शंका क्या होगी तब यहाँ पे, यदि असत इदम द्वैतम है ना, द्वैत प्रपंच अंतर्गत मन भी है, ये यदि असत है तरी तब के न मतलब दो नंबर टिप्पणी करण है ना, किस करण के द्वारा, करण को तो आप मिथ्या बोल दिया, करण ही नहीं है आपके पास तो जानोगे कैसे, के न करण है ना स्वम अजम आत्मतत्व, किस करण के द्वारा है ना, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपने स्वरूप भूत आत्मतत्व को कैसे जाना जाए जाना जाता है, क्योंकि ऐसा शंका होने पर उसके उत्तर में एक उपाय का करीब है, बस आत्मना स्वयं वो आत्मना आत्मनोव्यक्तित्व हुए, स्वयं अपने आप ही आत्मा अपने आप को जानते हैं, इसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अन्य वस्तु जड़ है और एक आत्मा एक आत्मा स्वयं प्रकाश चेतन है, इसलिए अन्य वस्तु को जानने के लिए मन की आवश्यकता होती है, तब आत्मा को जानने के लिए मन की आवश्यकता इसको सेकेंड बोला प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेदनान्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतः जनन प्राह घोरे सम्मुखे कारुण्यादुदधारामृत
Yeah.